नमः शिवाय। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष शुक्रवार अष्टमी तिथि दिन भर लगी रहेगी। चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में सुबह 7 बजे तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बुद्धदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर पवित्र हृदय वाले, बुद्धिमान, सलाह देने में निपुण, विद्या प्रेमी, गुणवान मगर दुविधापूर्ण मनोस्थिति वाले, परिवर्तनशील विचारधारा वाले होते हैं। ऐसे जातक पूर्वानुमान लगाने में कुशल, चतुरता से काम निकालने वाले, आस्थावादी और ईमानदार होते हैं। इनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास अचानक होता है। जीवन में प्रसिद्धि पाने के इच्छुक और सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, बुध और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन मीन राशि में ही चलते रहेंगे। शुक्र अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जो कि कर्क राशि से सिंह राशि में आ गए हैं, जिनका प्रत्येक जातकों पर उनके अपने महादशा और कारकों के अनुसार प्रभाव पड़ता रहेगा। ऐसे जातकों की 27 दिन बाद पुनः इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के प्रयास सफल होंगे और निजी निवेश के लिए पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नई कार्य योजनाओं के संपन्न होने में गति आएगी। सरकारी एजेंसियों से सहयोग और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपेक्षित हैं। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में 12वें चल रहे हैं। शारीरिक संवेदनशीलता बनी रहेगी। अनावश्यक खर्च और अचानक यात्रा की संभावना बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में सहयोग और सफलता की उम्मीद बनती है। वृष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का राहु से अलग होकर सिंह राशि में प्रवेश करना स्वास्थ्य संबंधी स्थिरता का संकेत देता है। धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और नई जानकारियां हासिल होंगी, मगर घर गृहस्थी संबंधी मामलों में निवेश भी संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में विस्तार और सफलता मिलती जाएगी। चंद्रमा के बुध के नक्षत्र में होना सहयोग, आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि का संकेत करता है। साझेदारी के कामों में भी सार्थक प्रेरणा बनी रहेगी और आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त रहेगा। सरकारी कामकाज में रुकावट खत्म होगी और संतुष्टि महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और कुछ ना कुछ सीखते रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। सावधानी अपेक्षित है। कर्क राशि के जातकों के लिए रुके हुए काम संपन्न होंगे। व्यावसायिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। सामाजिक प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। नई कार्ययोजनाओं के आयाम मजबूत होंगे और विकास की दर में वृद्धि होगी। सहयोगियों से लाभ मिलेगा, मगर अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी। चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में चलते रहेंगे, इसलिए शारीरिक संवेदनशीलता और मानसिक दुश्चिंता का संकेत भी मिलता है। निजी निवेश के लिए आज का दिन उपयुक्त है। विद्यार्थी प्रयास जारी रखें, सफलता संभावित है। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। घर गृहस्थी और कार्यस्थल को सजाने संवारने की रचनात्मक पहल जारी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा। कामकाज में गति आएगी और विचाराधीन मामले संपन्न होंगे। संतान संबंधी मामलों में चिंता बढ़ सकती है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और यात्रा या प्रवास संभावित है। विद्यार्थियों को सार्थक फल मिल सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं।
कन्या राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे। भूमि, वाहन या प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी और उसमें निवेश के स्थिति संभावित है। रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयास सार्थक होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। तुला राशि वाले जातकों को कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियां रखनी चाहिए। मानसिक चिंता बनी रहेगी। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में छठवें चल रहे हैं, सावधानी अपेक्षित है। साथ ही साथ सामान्य ढंग से चल रहे कामों में रुकावट का अंदेशा बनता है। हालांकि सकारात्मक प्रेरणा और सहयोग बरकरार रहेगा, फिर भी कार्यक्षेत्र के कुछ पहलुओं पर मन सशंकित रहेगा। आर्थिक लाभ आपके परिश्रम के अनुसार मिलता जाएगा और अनावश्यक खर्च का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिल सकती है, प्रयास जारी रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कार्यक्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी और सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। पारिवारिक हस्तक्षेप संभावित है। मन मुताबिक काम होने में दिक्कत और रुकावटें हो सकती हैं। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। साझेदारी में लाभ मिलेगा, मगर पारिवारिक दायित्व की चिंता, उत्साह में कमी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनती है। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक प्रस्तावों में अनुकूलता बनी रहेगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए कार्यक्षेत्र की नई योजनाओं का लाभ मिलेगा और नए अवसर सामने आएंगे, मगर कार्यक्षेत्र में अनियमितताएं संभावित हैं। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। सरकारी विभाग के रुके हुए काम पूरे होंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। साझेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। मकर राशि वाले जातकों को बुध के नक्षत्र का फल सहयोगात्मक रूप से जारी रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में पूर्ण सहयोग और सफलता का संकेत मिलता है और संबंधित यात्राएं संभावित हैं। साझेदारी सफल रहेगी। विभागीय कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से योजनाएं पूरी होंगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। नई कार्य योजनाओं और साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है। निजी निवेश के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। पत्नी की सलाह और सकारात्मक प्रेरणा से रुकते हुए काम संपन्न होंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। वैवाहिक प्रयासों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा आपकी राशि पर चल रहे हैं। मानसिक शांति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में रचनात्मक क्रियाशीलता और उत्साहजनक स्थिति कायम रहेगी, मगर महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझकर सावधानी से लेना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।